सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू नंबर वन प्लेटफॉर्म फॉर योर सीसेट प्रिपरेशन फॉर योर यूपीएससी प्रिपरेशन। जी हाँ, नंबर वन का टैग बरकरार है। रीज़न, बच्चों से बात हुई, 100 प्लस नंबर, पता नहीं कितने सारे बच्चों के बन रहे हैं सीसेट में। अभी आज ही बात हो रही थी एक स्टूडेंट से, सर कीज के अकॉर्डिंगली 120 तक स्कोर जा रहे हैं, तो ये सब क्या है? ये हमारी पूरी टीम की मेहनत का नतीजा है जो हमने लगातार की। देखिए, YouTube पे तो हम सेशन ले ही रहे थे, बट जो बच्चे हमारे बैच में इनरोल थे उनको क्या एक्स्ट्रा मिला? बेसिक सारे के सारे कंप्लीट हुए। सबसे पहले मैंने डर निकाला, जो सबसे पहले मेरा जो मेन काम था ना, वो ये था कि जब मैंने बैच हाथ में लेगी, जो 2023 के पेपर का डर बैठा हो ना बच्चों में, वो निकालना है किसी भी तरीके से। क्योंकि अगर वो डर निकल गया ना तो बच्चे परफॉर्म करेंगे, क्योंकि एक मेंटल प्रेशर के साथ जब आप एग्जामिनेशन हॉल में जाएंगे तो वो कहीं ना कहीं एक नेगेटिव इम्पैक्ट डालेगा आपके एग्ज़ाम में। जो क्वेश्चन होने वाला है ना, वो भी उसमें भी पेन कांप जाएगा। तो मेरा सबसे पहले काम क्या था, प्रैक्टिस करवाओ, बेसिक्स क्लियर करवाओ, दैट्स इट। दैट इज़ द मूल मंत्र, या आपका दैट इज़ द मेन मंत्र फॉर द क्रैक करने के लिए एग्ज़ाम को। समझा की बात? तो आपको क्या करना था, सिंपल स्ट्रेटजी थी मेरी बैच में, तो इस बार भी मैं अप्लाई करूंगा मेरे नए बैच में। जी हाँ, वी आर ऑर्गेनाइजिंग अ न्यू बैच, वी आर लॉन्चिंग अ न्यू बैच वेरी सून, आपको जल्दी उसके बारे में पता चल जाएगा। ठीक है, बेसिकली अभी हम इसको वीकेंड पे रखेंगे कि जो बच्चे वर्किंग है वो भी कर सकें, और जो बच्चे आराम से सी सेट करना चाहते हैं, क्वालिफाई करना चाहते हैं, वो भी इजीली कर पाएँ। क्योंकि मैं, हमारा मेन मंत्र क्या है, हमारा मेन मोटो क्या है इस बैच को लेके आने का, कि ये टिल एग्ज़ाम चलेगा बैच। अभी मैं बताऊँगा, क्योंकि मैंने जब बच्चों से बात की जिनके बहुत अच्छे स्कोर मर रहे हैं, उन्होंने की बात बोली कि सर बैच तो हमने कम्प्लीट कर लिया था, बट उसके बाद में जो आपने MCQs हमें करवाए ना, वो हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल थे, वो हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल थे। रीज़न क्या था, कोई क्वेश्चन नंबर सिस्टम का, कोई परमुटेशन कॉम्बिनेशन का, कोई टाइम एंड वर्क का, कोई प्रॉफिट एंड लॉस का। तो जब मिक्स होके क्वेश्चन आए तो 25 से 30 सेशंस थे मेरे पास, ये इन्होंने मेन काम किया। तो कुछ अंडरस्टैंडिंग, कुछ मेहनत, उसका नतीजा है इतना अच्छा जो सीसेट का एग्ज़ाम हुआ है। हाँ, ये भी मानना पड़ेगा, ये भी प्लस पॉइंट है कि पिछली बार से थोड़ा सा एग्ज़ाम हल्का था, बट इसको मैं आसान एग्ज़ाम बिल्कुल नहीं बोलूँगा, थोड़ा अच्छे खासे लेवल का एग्ज़ाम इसको बोला जा सकता है। ये नहीं कि अगर 5 क्वेश्चन आसान आ गए तो पूरा पेपर आसान है, नहीं, अंडरस्टैंडिंग वाला पेपर था ये। चलिए जानते हैं कुछ और बातें। जी हाँ, ये स्टूडेंट्स मेरे पास डिटेल है मेरे नए बैच की, जिसमें मैं आपको बहुत सारी चीज़ें नहीं बताने वाला। देखिए, ये बेसिकली क्या है, टारगेट सीसेट 2025, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग एंड इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन, ये आ रहा है। ठीक है, विद एडवांस मॉडरेटेड मेथड्स, क्लियर। आप इसको ऑनलाइन एंड ऑफलाइन जैसे चाहे अवेल कर सकते हैं, आपको अभी तक कुछ नहीं करना। सारी डिटेल जल्दी ही मैं आपके साथ शेयर करूंगा, कैसे क्लासेस लगेंगी, व्हाट विल द फीस, या कैसे स्ट्रक्चर होगा, क्लियर। इस नंबर पे कॉल कीजिए, इस नंबर पे व्हाट्सएप कीजिए, ठीक है। नंबर इज 9517716151, क्लियर। सो ये आपको करना है, ठीक है, ये आपको करना है, और मेरे साथ जुड़ रहे हैं, जुड़िए, मैं देखता हूँ सी सेट कैसे क्लियर नहीं होता। कुछ सोच के देखो, कट ऑफ कितनी, 80-85 जाने की उम्मीद है मैक्सिमम इतना ही ना, 80-85 भी कुछ, 70-80 के अराउंड जाने की उम्मीद है, क्लियर है। तो आप कैसे करेंगे इसको, क्योंकि अब देखो, अगर चलो मैं मान के चलूँ कि 80 प्लस भी थोड़ी कट ऑफ जाते, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि पेपर ठीक ठाक था इतना कि इतनी अराउंड आनी चाहिए, 80-80 के अराउंड, थोड़ा सा कुछ ऊपर नीचे होगी, प्लस माइनस 2-3-4, तो इसके अराउंड क्या होना चाहिए, इससे भी 30 मार्क्स बच्चों के ज़्यादा बन रहे हैं। तो हमने मेहनत की है, हमने बेसिक्स पढ़े, आप भी करिए, आप भी एक दिन ऐसे ही बोलेंगे मुझे, ठीक है, फिर मैं बात करूँगा आपकी, जैसे आज उन स्टूडेंट की कर रहा हूँ, आपकी बात करूँगा मैं, क्लियर। क्योंकि कट ऑफ से 30 नंबर ऊपर लेके आना कोई मजाक नहीं है, इसका मतलब बच्चे ने मेहनत करी है, ठीक है। तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब, चलिए चलें जरा हम आगे, चलिए क्वेश्चन सिर्फ बढ़ते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, इन द एक्सप्रेशन 5-4-3-2-1 या 5-4-3-2-1, यहां पे आएगा स्टार
इज चूजन फ्रॉम प्लस माइनस एंड मल्टीप्लाई, मतलब या तो स्टार प्लस हो सकता है या माइनस हो सकता है, क्या हो सकता है मेरे पास, मल्टीप्लाई हो सकता है। ईच एट मोस्ट टू टाइम्स, मतलब एट मोस्ट टू टाइम, मैक्सिमम टू मैक्सिमम मैं इन तीन सिंबल्स में से किसी सिंबल को, किसी एक सिंबल को दो बार यूज़ कर सकता हूँ, तो दो बार प्लस को यूज़ कर सकता हूँ, दो बार माइनस को कर सकता हूँ, या दो बार मैं इसके मल्टीप्लाई को कर सकता हूँ। ईच एट मोस्ट टू टाइम्स, वट इज़ द स्मॉलेस्ट नॉन नेगेटिव वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन, नेगेटिव नॉन नेगेटिव, देखो 5 star 4 बिल्कुल आराम से कराऊंगा मैं आपको, 3 star 2 star। अब मेरे पास तीन सिंबल्स हैं, पहला सिंबल है प्लस, दूसरा सिंबल है माइनस, तीसरा सिंबल है मल्टीप्लाई। प्लस माइनस एंड मल्टीप्लाई, तीन सिंबल्स हैं मेरे पास। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा स्टूडेंट, देखो जब भी आपको ऐसे में चूज करना है, देखो अगर मैं मल्टीप्लाई यूज करता हूँ यहाँ पे 5 और 24 बड़ा नंबर बन गया, प्लस यूज करता हूँ 5 और 4 जब भी बड़ा सिंबल बन गया, तो क्या मैं माइनस यूज कर सकता हूँ यहाँ? यस, 5 माइनस 4 ठीक है, 4 3 12 4 और 3 7 क्या यहाँ पे माइनस करके देखते हैं, ठीक है। अच्छा अब 2 बचा 1 बचा, मैंने मल्टीप्लाई यूज़ कर लिया, ये हो सॉरी मैंने माइनस यूज़ कर लिया, हो गया मेरा। नेक्स्ट क्या कर सकता हूँ मैं, अगर यहाँ पे मैं प्लस लगा के यहाँ मल्टीप्लाई लगाऊँ, तो यहाँ प्लस लगा के मल्टीप्लाई लगाऊँ तो कुछ बन सकते, वरना इनको इंटरचेंज करके देख लेंगे हम, कोई दिक्कत थोड़ी ना। देखो ये कितना हुआ, 5 माइनस 7 प्लस 2 गुणा 1 तो कितना आ गया, -2 प्लस 2 आंसर इज 0। यस आ गया आंसर 0, नॉन नेगेटिव तो होता ही, 0 क्या होता है, नेगेटिव नंबर थोड़ी ना होगी ना जाता है, समझा के बाद नोट कीजिए फटाफट, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। तो इजी था, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं थी अपने पास, ठीक है, चलो होपफुली समझ आ गया होगा आपको, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। चलिए चलिए देखो क्या दिया, हाउ मेनी टाइम्स आवर हैंड एंड मिनट हैंड कॉन्साइड इन अ क्लॉक बिटवीन 10 AM एंड 2 PM। देखो क्लॉक, क्लॉक से अच्छे क्वेश्चन थे, तो ये भी क्वेश्चन पता है, मैं सीधा कहूंगा भी नोट से था, बिकॉज जब मैंने क्लॉक शुरू की ना, तो सबसे पहले मेरा ये चार्ट था कॉन्साइड वाला, भैया कितनी बार कॉन्साइड होते हैं, 90 डिग्री होता है आपका, ऑपोजिट होता है, ये सारे मैंने चार्ट रटवा दिए थे बच्चों को, भैया कर लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, बट ये नहीं पता था कि डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है। देखो 12 हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यार देखो अगर मैं बात करूं मिनट हैंड एंड आवर हैंड कॉन्साइड वन टाइम ईच आवर, अगर मैं 1 घंटे की बात करूं, हर 1 घंटे में 1 बार कॉन्साइड करते हैं, बट ध्यान रखना एक्सेप्शन इज बट फ्रॉम 11 to 1 यानी इस सीजन में ओनली वन टाइम दैट इज एट 12 o'clock कि अगर बेसिकली मैं बात करूं हर घंटे में 1 बार होगा, बट 11 से लेके 1 बजे के बीच में एग्जैक्ट 12 o'clock ये 1 बार होगा, तो यहां से कितना होगा, देखो 10 से 11 1 11 से 1 बी एक टाइम और 1 से 2 1 टाइम, तो टोटल कितनी बार हो गया, ऑप्शन नंबर 3 टाइम्स। मैंने बिल्कुल बेसिक से बताया आपको, ताकि अगली बार ऐसा क्वेश्चन है तो आपको गलत ना हो। अच्छा आंसर बताना, अच्छा एग्जैक्टली ना मुझे कमेंट करके बताना, कितना आपने अगर सी सेट किया था तो कितने क्वेश्चन किए थे और क्या स्कोर बन रहा है आपका, बताइएगा मुझे, क्लियर, कमेंट करके बताइएगा। फॉर न्यू बैच डिटेल्स यू कैन कॉल मी एट 9417771651, कॉल मी का कॉल कर सकते हैं और व्हाट्सएप कर सकते हैं।
क्लियर स्टूडेंट, चलिए लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए कैलेंडर फोर द ईयर, इसमें कुछ नहीं करना था, लीप ईयर के लेक्स वाला था, ठीक है, प्लस छः करना था, इसमें कितना है 2031 ऑप्शन नंबर सी, इसमें तो कुछ नहीं करना था मैंने। चलिए ये अच्छा था, व्हाट इज द एंगल, देखो मैंने क्वेश्चन करवाया था 424 पेपर में, ओ सॉरी जब मैंने क्लास ली मैंने आपसे पूछा था व्हाट इज द एंगल मेड बिटवीन 4:24 पे क्या एंगल होगा मिनट हैंड एंड आवर हैंड, और एग्जामिनर ने क्या पूछा हुआ है 4:24, मुझे तो ऐसा लग रहा था नोट तो नहीं देख लिए कहीं, क्या डिटेल में बहुत करवा रखा। क्लियर, हमारे यहाँ पे स्टूडेंट भी लिमिटेड सा नहीं पढ़ते, कहेंगे सर कराओ बढ़िया क्वेश्चन कराओ, क्योंकि मैं घर से असाइनमेंट्स भी देता हूँ उसके भी लेवल अच्छा होता है, वीकेंड पे जो टेस्ट होता है उसका लेवल भी अच्छा होता है, समझ आ गई बात। व्हाट इज एंगल बिटवीन द मिनट हैंड एंड आवर हैंड व्हेन द क्लॉक शोज 4:25। देखो दो तीन चीज़ें अब देखो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, दो तरीके से इस क्वेश्चन को किया जा सकता था, अगर बेसिकली बात करो 12, बेसिकली बात की जाए 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ठीक है ये मेरे पास है। अब देखो वो क्या कह रहा है, अगर मैं बेसिकली बात करना चाहूँ इन 12 आवर्स आवर हैंड मूव्स बाय, मैं 12 आवर की बात करूं आवर हैंड कितना मूव करता है 360, बिल्कुल बेसिक से लेके चलूंगा, जीरो से समझाऊंगा ये क्वेश्चन में आपको, फॉर्मूला तो आप कर ही लोगे 4:11/2 जो भी आप लगाते हो वो तो वो भी मैं बताऊंगा, ठीक है 360 डिग्री, तो एक आवर में कितना आएगा आपके पास एक घंटे में 30 डिग्री होगा, यानी अगर मैं 4 से 5 के बीच किया ये भी मुझे 30 डिग्री के बराबर देगा, बिकॉज अगर आप देखोगे 360 को 12 बराबर भागों बांटोगे तो 30 डिग्री आएगा, इसका मतलब जो मेरी आवर हैंड है ये देखो मिनट हैंड तो एग्जैक्टली मेरा 5 पे है, ये मेरा क्या मिनट हैंड और ये मेरा कहीं आवर हैंड है आवर हैंड, इसका मतलब अगर मैं बेसिकली ये एंगल निकाल लूं, मैं बेसिकली ये इतना एंगल निकाल लूं भाई आवर हैंड कितना मूव होगी, तो 30 में से अगर मैं इतने को माइनस कर दूं तो मेरा ये एंगल निकल जाएगा जो बेसिकली मेरा डिजायर्ड एंगल है, सोचिए देखिए यही तो मुझे निकालना है, अगर 60 मिनट में आवर हैंड जो मूव करेगा वो कितना करेगा 30 डिग्री करेगा, तो एक मिनट में आवर हैंड कितना मूव करेगा 30/16 कितना 1/2 डिग्री, 1/2 डिग्री करेगा, 1/2 डिग्री अच्छा तो अगर ये एक मिनट में इतना करेगा तो 25 मिनट में कितना करेगा 1/2 × 25 यानी 12.5 डिग्री, इसका मतलब अगर मैं 30 में से 12.5 माइनस कर दूं तो मेरा आंसर आ जाएगा 17.5 डिग्री इज द राइट आंसर, सॉरी ये डिग्री में सारे, क्लियर आएगी बात आएगा, यही तो आंसर था मेरा, बट इसको अगर आप डायरेक्ट फॉर्मूले से करोगे तो कैसे करोगे, इसको अगर डायरेक्टली फॉर्मूले से करना तो कैसे करना है, कुछ नहीं करना, ये तो मैंने बेसिक समझाया जो मैंने क्लास में भी समझाया था कि हाँ भाई करना है कैसे, क्या करोगे 4 × 30 मॉड लगा दो माइनस ऑफ कितना 11/2 × 25 तो कितना 120 माइनस ऑफ ये कितना हो गया 275, 11 × 25 11/2 × 25 ही है ना 275/2 यानी कितना 137.5 मॉड आ गया कितना आ गया 17.5 डिग्री, ये भी आप कर सकते हो, क्लियर तो कुछ भी आप कर लेते हैं, आपका आंसर आ जाना था, नोट कीजिए फटाफट इसको, क्लियर तो जैसे मर्जी कान यहाँ से पकड़ो कान यहाँ से पकड़ो मर्जी आपके, बट आंसर आना चाहिए। फॉर न्यू बैच डिटेल यू कैन कॉल मेयर व्हाट्सएप मी एट 9517771651, इस पर आप कॉल भी कर सकते हैं, इसमें आप
व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, क्लियर। चलिए जल्दी से नोट कर लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। चलिए होपफुली कर ही लिया को नोट, नेक्स्ट पे चलते हैं। चलिए अब ये अच्छा क्वेश्चन था, ये थोड़े से बेहतरीन क्वेश्चन है, आई दुरोर वाला। अ मेन स्टेटमेंट इज फॉलोड बाय फोर स्टेटमेंट्स लेबल्ड पी के आर एंड एस, चूज द ऑर्डर्ड पेयर ऑफ द स्टेटमेंट व्हेन द फर्स्ट स्टेटमेंट इंप्लाइज द सेकंड एंड द टू स्टेटमेंट्स आर लॉजिकली कंसिस्टेंट विद द मेन स्टेटमेंट। अब मेन स्टेटमेंट क्या दिया मुझे देखिए, प्रदीप बिकम आइदर डॉक्टर और प्रोड्यूसर, कि प्रदीप या तो डॉक्टर है या सॉरी डॉक्टर डायरेक्टर है, डायरेक्टर इज डायरेक्टर और डॉक्टर डायरेक्टर, इट्स डायरेक्टर डायरेक्टर नॉट डॉक्टर, क्लियर। देखो या तो वो डायरेक्टर है या प्रोड्यूसर, अगर प्रोड्यूसर है तो डायरेक्टर नहीं होना चाहिए, अगर डायरेक्टर है तो प्रोड्यूसर नहीं होना चाहिए, इस बेसिकली स्टेटमेंट का मतलब ये निकलता है यहां से। कि या तो वो जनाब जो प्रदीप जी हैं डायरेक्टर हैं या प्रोड्यूसर है, एक टाइम पे दोनों नहीं हो सकता, मतलब डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर बहुत पॉसिबल नहीं है, बिकॉज आइदर और की कंडीशन में को साफ साफ दी गई है, देखिए आइदर और। चलिए देखते हैं पी स्टेटमेंट क्या कह रही है, अब पी के साथ पेयरिंग देखते हैं किसकी बनती है। पहले प्रदीप इज अ डायरेक्टर, कि प्रदीप मेरे पास डायरेक्टर है, ठीक है। अब प्रदीप क्या नहीं हो सकता, प्रदीप प्रोड्यूसर नहीं हो सकता। अब क्यों क्या कह रही है, प्रदीप इज अ प्रोड्यूसर तो ये तो पॉसिबल है नहीं है, प्रदीप इज नॉट अ डायरेक्टर तो क्या पी आर हो सकता है मेरे पास। देखो क्योंकि नहीं हो सकता, प्रोड्यूसर नहीं हो सकता, डायरेक्टर तो ऑलरेडी दिया हुआ है तो नॉट अ डायरेक्टर कहां से आ गया, तो क्या पी एस हो सकता है, प्रदीप इज नॉट अ प्रोड्यूसर, यस पी एस हो सकता है। इसको क्या मैं ऐसे बोल सकता हूँ, प्रदीप इज नॉट अ प्रोड्यूसर एंड प्रदीप इज अ डायरेक्टर, बिल्कुल बोल सकते हैं, अगर एक कंडीशन फुलफिल कर रही है तो उल्टा भी तो कर सकते हैं हम। देखो नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं, प्रदीप इज अ प्रोड्यूसर, प्रदीप इज नॉट अ डायरेक्टर, ठीक है, प्रदीप इज नॉट अ डायरेक्टर, अगर डायरेक्टर नहीं है तो प्रोड्यूसर है, तो इन दोनों का पेयर बन गया, तो कितना आ गया क्यू आर, उल्टा लिख दो एस पी एंड आर क्यू बोथ, क्लियर। नोट कीजिए, ईजी था अभी, हाँ बट एग्जाम अभी तो मैं कह रहा हूँ इजी, अभी इजी लग रहा होगा ना, क्योंकि काफ़ी जगह देख लिया कर लिया क्वेश्चन पढ़ लिया, बट एग्जामिनेशन हॉल के हिसाब से क्वेश्चन मुश्किल है, इसको मॉडरेट लेवल का तो नहीं कहूँगा, थोड़ा सा हल्का सर्टिफिकेट लेवल जरूर मैं कह सकता हूँ, क्योंकि एग्जामिनेशन हॉल में बैठ के ना क्या थिंकिंग प्रोसेस रहती है तो वहीं पता चलता है। चलिए क्या दिए, इफ ए प्लस बी मीन्स ए माइनस बी, ए माइनस बी मीन्स ए मल्टीप्लाई बी, a मल्टीप्लाई b मीन्स a डिवाइडेड बाई b एंड a डिवाइडेड b मीन्स a प्लस b, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 10 प्लस 30 माइनस 100 मल्टीप्लाई 50 माइनस डिवाइडेड बाई 25, ऑपरेशंस आर टू बी रिप्लेस साइमल्टेनियसली। आंसर आ गया होगा माइनस कितना, चलो यहाँ पे क्या दिया देखो, अगर प्लस है उसको माइनस लिख दीजिए, माइनस है उसको मल्टीप्लाई लिख दीजिए, अगर मल्टीप्लाई है उसको डिवाइड लिख दीजिए, अगर डिवाइड है उसको एडिशन लिख दीजिए, ये चार मेरे पास सिंबल्स हैं। और दिया क्या हुआ, 10 प्लस 30 माइनस 100 इंटू 50 डिवाइड बाई 25, ये निकालना है। अब देखो प्लस की जगह माइनस करो तो 10 माइनस 30, माइनस की जगह मल्टीप्लाई करो इंटू 100, मल्टीप्लाई की जगह क्या करना है मुझे डिवाइड करना है 50, और डिवाइड की जगह क्या करना है मुझे प्लस, यानी कितना 25, यही दिए। चलो ये कितना होगा देखो, 10 माइनस 30 ये कितना आ गया 2, एक मिनट इसको मैं ठीक लिखूँ थोड़ा सा, क्योंकि रूल के हिसाब से पहले क्या होगा डिवाइड होगा देन मल्टीप्लाई, सो 30 मल्टीप्लाई 100 बाई 50 इज 2 प्लस 25, तो ये कितना हो गया 10 माइनस ऑफ 60
प्लस 25, तो ये कितना हो गया 35 माइनस 60, 35 पाँच 40, 50 8 माइनस 25, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। क्लियर? तो छोटे छोटे क्वेश्चन है, इसीलिए मैंने बोला कि रीजनिंग जो मैंने एक वीडियो भी अपलोड की है कि कैसे तैयारी करनी है, उसमें मैंने बताया कि रीजनिंग मॉडरेट लेवल नहीं थी, रीजनिंग हल्के लेवल की थी, रीजनिंग हमेशा ही आसान आती है, बट आप एक्सेस प्रेशर अपने ऊपर डाल लेते हो तो फिर दिक्कत आती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं स्टूडेंट्स। चलिए अब इससे आसान क्वेश्चन क्या मिलेगा आपको, POT, ATOP, TRAP, APRT, APART, ARENA, इसको बताना कैसे, देखो समझाता हूँ। POT था, इसमें क्या किया, तीन था, देखो तीन थे चार हो गए, चार थे पांच हो गए, पांच हैं तो सारे सारे ऑप्शन में क्या छः है। अब हो क्या रहा है, देखो पहले क्या हो रहा है, TOP इसको उल्टा करके साथ में A लगा दिया, कुछ नहीं किया, बहुत आसान था, ये सबने मैक्सिमम कर ही लिया होगा। TRAP APART, क्या यही है, ध्यान से देखो, यस। अब मुझे क्या निकालना है, ARENA ANERA, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर था मेरे पास। तो जो आसान क्वेश्चन है उसमें समय लगना नहीं चाहिए, जो थोड़ा सा मुश्किल है उसमें फिर भी हम थोड़ा समय ले सकते हैं। नोट करो फटाफट, चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। चलिए चलिए जी, ये नंबर सीरीज का क्वेश्चन है छोटा सा हमारे पास। चलिए क्वेश्चन इज, व्हाट कम इन प्लेस ऑफ स्टार इन सीक्वेंस 3, 14, 13, 84, स्टार 258। इजी था, हो गया होगा, नहीं हुआ तो अभी कर लेते हैं। देखो कितना दिया है, 3, 14, नेक्स्ट इज 39, नेक्स्ट इज 84, नेक्स्ट इज डैश एंड 258। मैंने देखो लास्ट जब मैंने कुछ यूट्यूब पे सेशंस ली, हर एक क्लास में मैंने नंबर सीरीज का एक क्वेश्चन मिनिमम करवाया, मिनिमम क्या एटलीस्ट एक क्वेश्चन मैंने करवाया। रीज़न ये था, मुझे पता था नंबर सीरीज आप लोग कहीं ना कहीं ऊपर नीचे करोगे, और इससे आसान क्वेश्चन नंबर सीरीज का शायद वो डाल नहीं सकते आपको। देखो इनका डिफरेंस कितना आ गया, 11 आ गया, इनका कितना आ गया, 25 आ गया, इनका कितना आ गया, 45 आ गया। ठीक है, अच्छा फर्दर अगर मैं डिफरेंस निकालूँ कितना आ गया, देखो इनका 14 आएगा, इनका 20 आएगा, फर्दर इनका 6 आ रहा है, ये समझा। अगली वैल्यू उसका भी कितना 6 आना चाहिए, तो यहाँ कितना आएगा, 26 आएगा। अगर यहाँ 26 आ रहा तो यहाँ कितना आना चाहिए, 65 प्लस 6 71, इसका मतलब इसमें क्या करो, 84 में 71 ऐड कर दो, 8, 7, 15, 155, यही आंसर था मेरा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सिंपल था। क्या था क्वेश्चन, कौन सी उसका था, डिफरेंस ऑफ डिफरेंस, ये बेसिकली डिफरेंस ऑफ डिफरेंस का क्वेश्चन था हमारे पास। क्लियर, नोट करें। ठीक है, तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल एज वेल एज द वीडियो। क्लियर, और फर्दर डिटेल्स के लिए मैं नंबर बता रखा है आपको, 9517177165, कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। क्लियर, चलिए तो स्टूडेंट्स जैसा कि मैं आपको शुरू में बता रहा था कि हमारे यहाँ कितने सारे क्वेश्चन डायरेक्ट पेपर में आए हुए, सिर्फ हल्की फुल्की वैल्यू चेंज है, चाहे वो आप टाइम एंड वर्क की बात कर लो, चाहे वो नंबर सीरीज की बात कर लो, चाहे वो नंबर सिस्टम की बात कर लो, चाहे वो आप क्लॉक की बात कर लो, कितने सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो अलग अलग चैप्टरों से, एक चैप्टर से डिटो क्वेश्चन आना बहुत रेयर होता है, बट हमारे पास
अलग अलग हैं कॉन्सेप्ट। मैंने शुरू में ही कहा था कि क्वेश्चन सेम ना हो बट कॉन्सेप्ट सेम मिलेंगे आपको, लॉजिक सेम मिलेंगे और मेरी कई बात बिल्कुल सस्ती। क्लियर? तो इसीलिए हम शुरू करने लगे सीसेट का बैच, जिसकी डिटेल्स मैं जल्दी ही आपके साथ शेयर करूंगा। इसके अंदर हम क्या करने वाले, पूरा मेरा एप्टीट्यूड कंप्लीट, एक भी चीज़ नहीं छूटेगी। देखो सिलेबस तो बेअंत है बट हम कोशिश कर सकते हैं मैक्सिमम सिलेबस कवर करने की, ठीक है, जो मेरा एग्ज़ाम ओरिएंटेड है। ठीक है, पूरा एप्टीट्यूड करेंगे, लॉजिकल रीजनिंग बहुत अच्छे से कवर लास्ट टाइम भी की, इस टाइम भी करेंगे। लास्ट टाइम भी हमने इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन की बहुत सारी प्रैक्टिस की थी बैच में, इस बार भी हम बहुत सारी प्रैक्टिस करने वाले। तो अगर आप एक आईएएस ऑफिसर बनने का सपना देख रहे हैं तो प्लीज़ सीसेट को रास्ते में मत आने दीजिए। इसे वो कहते हैं ना, मतलब इससे मत बनने दो आपकी रुकावट, हमें दे दो रुकावट, हम इसको दूर करेंगे अपने आप। ठीक है जी, नेक्स्ट क्या है मेरे पास, एडवांस मॉडरेटेड मेथड के साथ कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने टारगेट यूपीएससी सीसेट 2025 लॉन्च कर दिया है, फ्रेश बैच कमिंग सून, जल्दी ही आ रहा है। बट आपको पहले क्या करना पड़ेगा, आपको इस नंबर पे जो मैंने दिया 9517771651 इस नंबर पे आपको कॉल करनी है, इस नंबर पे वो व्हाट्सएप करना है, तो मैं आपका डिटेल शेयर कर सकता हूँ। अगर आप इच्छुक हैं जानने के तो इस नंबर पे कॉल व्हाट्सएप कीजिए, आई विल लेट यू ईच एंड एवरीथिंग अबाउट दिस बैच। क्लियर? सो हमारा चंडीगढ़ एड्रेस आपको बताऊंगा, प्लॉट नंबर 7 पंजाब केसरी बिल्डिंग सेक्टर 25, और हमारा मोहाली ब्रांच का एड्रेस है प्लॉट नंबर C126 बिल्डिंग नंबर 2 फोर्थ फ्लोर फेसेट इंडस्ट्रियल एरिया मोहाली पंजाब। ना पता चले तो इस नंबर पर कॉल मैसेज कीजिएगा, आई विल गिव यू द लोकेशन। क्लियर? सो एंड में एक ही चीज़ बोलूँगा, सी सेट का डर निकाल दो। 2023 का पेपर जब था ना, जब मैंने पहले ही बताया कि जब मैंने बैच शुरू किया, मैंने सबसे पहले मतलब क्या था, मेरा सबसे पहले टारगेट क्या था, मेरा सबसे पहले टारगेट आपको पढ़ाना नहीं था जो मेरे साथ बैच में बच्चे थे। मैंने शुरू में बोला था मेरा टारगेट है उस डर को निकालना जिसने आपको सी सेट क्लियर करने से दूर रखा हुआ है। समझा की बात? तो प्लीज़ 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 घबराइए मत, डरने की ज़रूरत नहीं। कितने सारे बच्चों ने सी सेट यूपीएससी के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन इसलिए स्किप की थी कि यार सी सेट ही नहीं होगा। इट इज़ अचीवेबल, हो सकता है। मेरे पास आइए, हमारे साथ जुड़िए, हमारे बैच को ज्वाइन कीजिए, एक एक चीज़ अच्छे से पढ़ाऊंगा पूरे साल, और ये बैच मेरा टिल एग्ज़ाम रहेगा, मैं बता रहा हूँ आपको। ऐसा नहीं है कि मैंने अगर किया तो ख़त्म, नहीं, कि सिलेबस ख़त्म बैच ओवर नहीं, ये बैच आपका चलेगा टिल एग्ज़ाम, एग्ज़ाम तक बैच चलेगा। एग्ज़ाम के एक दिन पहले तक पढ़ाऊँगा, डाउट सेशन लगते हैं वो अलग हैं आपके, समझ आ गई बात, आपके डाउट सेशन होते हैं वो अलग है, हर चीज़ अलग है आपके पास, डाउट सेशन अलग है आपके पास, आपके वेब नोट्स अलग हैं आपके पास, आपके पास जो PDFs मिलते हैं लेक्चर की वो अलग है, तो हर चीज़ सेपरेट तरीके से इसमें की हुई है इंस्टॉल। क्लियर? सो प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब द चैनल एज वेल एज द वीडियो, सारे के सारे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। एक और चीज़, एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा आपको, उस व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, बैच से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन होगी सब वहीं पे आएंगे आपके पास। तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू स्टूडेंट्स।